सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मोटो वीडियोस देखने के लिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आया हूँ ऑटो एक्सपो 2020 में और अभी फिलहाल मैं GWM मोटर्स के स्टॉल पे खड़ा होकर हूँ। GWM ने हाल ही में इंडिया में अपने 4 SUVs को अनाउंस कर दिया है और बाय द एंड ऑफ 2020 ये सारी गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएंगी इंडिया में, ऐसा बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो गाड़ी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है FX7 हैवल सीरीज में ये गाड़ी लॉन्च करी है कंपनी ने, जो कि एक SUV के कैटेगरी की ये गाड़ी है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस गाड़ी का पूरा डिटेल्स एक वॉक अराउंड दिया है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलना और ऑटो एक्सपो के और भी बहुत सारी गाड़ियों को मैं कवर करने वाला हूँ, सो उसके लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस कार के टेल लैंप से। तो इस कार के टेल लैंप हमें स्प्लिटेड देखने को मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से अलग अलग एक डिक्की के पार्ट में है और एक बॉडी में हमें देखने को मिलता है। और अलोंग विथ टेल लैंप एक हमें क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलती है दूसरी तरफ, और सेम वही टेल लैम्प की डिज़ाइन हमें दूसरी तरफ भी देखने को मिलती है। और अब आते हैं हम फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट में हमें 4 LEDs हेडलैम्प वाले सेटअप देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हमें इस कार में फील करवाते हैं। और जैसा कि कंपनी ने लिखा है कि LED प्रीमियम विजन, तो जिसके वजह से हमें समझ में आता है कि ये कार की LEDs काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ब्राइट होंगे। और अब बढ़ते हैं इस कार के हम व्हील्स की तरफ। तो इस कार में हमें 19 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं विथ 225x55 इंच के रेडियल टायर्स हमें इस कार में ऑफर करे हैं कंपनी ने। और अब बात करेंगे इस कार के मीटर कंसोल के बारे में। तो ये मीटर कंसोल हमें फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है, कहीं पे भी एनालॉग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि एक प्रीमियमनेस को इस कार की काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और देखने में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर हमें LEDs का सेटअप देखने को मिलेगा। और नाउ अब हम बात करते हैं इस कार के स्टेयरिंग के कंट्रोल्स के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें बहुत सारे म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं और राइट हैंड साइड में हमें क्रूज कंट्रोल और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। एसी के कंट्रोल के साथ हमें गियर लीवर का नॉब देखने को मिलता है, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड सारी चीज़ें दी हुई हैं। और साथ ही में हमें 2 कप होल्डर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी टॉप मॉडल है तो इसमें हमें सनरूफ भी देखने को मिलता है और आगे सनरूफ के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और डैशबोर्ड का लुक पीछे से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस तरीके से लगता है। एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा खास लगी वो है कि हमें नॉर्मल कार्स में कम एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, बट इस कार में हमें छोटे छोटे 2 एसी वेंट्स एक्स्ट्रा देखने को भी मिलते हैं। और बात करें इस कार की सीटिंग्स की, तो हमें फुल साइज का एक हेडरेस्ट देखने को मिलता है। और सीटिंग कंफर्ट के मामले में मैंने पर्सनली इस कार पे बैठकर फील किया, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स कंपनी ने इस कार में ऑफर करे हैं, कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छी है इस कार की। बात कर लेते हैं कंट्रोल्स के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सारे पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं और साथ ही ORVM के कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। और इसकी साइड में जो अपहोल्स्ट्री की गई है काफी ज्यादा प्रीमियमनेस को बढ़ा देती है इस कार की। हमें साथ ही साथ हमें लॉक एंड अनलॉक का बटन भी देखने को मिल जाता है। और चलिए मैं आप लोगों अब रियर के साइड में लेकर चलता हूँ। रेयर के सीट्स के भी मैं आप लोगों को स्पेस और कंफर्टनेस के बारे में बता देता हूँ। तो रेयर के साइड में भी हमें फुल हेडरेस देखने को मिलता है, जो कि एडजस्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी ज़्यादा लंबा और बैक सपोर्ट हमें इस कार के रेयर सीट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। और थाई सपोर्ट भी हमें साथ ही साथ बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। सेंटर में एज यूजुअल हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विथ 2 कप होल्डर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कन्वीनियंस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है ये चीज़। इसके अलावा इस कार में लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने पर्सनली बैठकर देखा है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, मेरी हाइट 5'11" है और मैं जब बैठा था तो इस कार में काफ़ी ज़्यादा लेग रूम और हेड रूम दोनों ही मुझे सफिशियंट देखने को मिले थे। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी हमें इस कार में देखने को मिलती है। पीछे की लुक की अगर मैं बात करूं तो पीछे हमें क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि अलोंग विथ बम्पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। इस कार की कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अनाउंस नहीं करी गई हैं और ना ही प्राइस। जैसे ये चीज़ें कंपनी अनाउंस करती है मैं आप लोगों को उस चीज़ का भी अपडेट दे दूंगा। सो गाइज यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी मैं GWM के और भी अपकमिंग SUVs को कवर करने वाला हूं, जो कि दूसरे वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए बता दूं, ये एक चाइनीज़ कंपनी है। जैसे हमें एक चाइनीज़ कंपनी किया देखने को मिली है, उसी तरह से ये भी एक चाइनीज़ OEM है। और गाइज ये एक काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाली है किया को मेरे ख्याल में। तो अभी के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज गियर अप।